नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब वक्त हो गया इस वक्त की पांच बड़ी खबरों का। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए गई 10वीं उड़ान। यूक्रेन में फंसे 220 भारतीयों को इस्तांबुल से लेकर आज तड़के सुबह नई दिल्ली पहुंची। ये उड़ान यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूर्वी यूरोपीय देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के अभियान का हिस्सा है। रूस के साथ युद्ध के कारण यूक्रेन ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। ऐसे में भारत को अपने नागरिकों को सड़क मार्ग से यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया लाकर वहां से विमान के जरिए स्वदेश ला रहा है। इस मौके पर केंद्रीय संसदीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर जाकर स्वदेश लौटे छात्रों से बातचीत की और नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक बयान में ऑपरेशन गंगा को लेकर बड़ी बात कही। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। बता दें कि केंद्रीय संसदीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत सरकार यूक्रेन से हर भारतीय को सुरक्षित वापस सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार यूक्रेन से सभी छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। मैं उनसे, यूक्रेन में अपने मित्रों से ये कहने की अपील करता हूं कि वो हिम्मत और संयम बनाए रखें। इससे पहले बुखारेस्ट से एक अन्य विमान 182 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा था। आगे उन्होंने कहा कि विमान से उतरने के बाद अपनी घर वापसी के लिए रेलवे सुविधा काउंटर्स बनाए गए हैं। आधिकारिक अनुमान के अनुसार यूक्रेन के विश्वविद्यालयों में करीब 18,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटों में यूक्रेन से 1,377 नागरिकों की वापसी हुई है। ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 24 घंटे में यूक्रेन से 1,377 और भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। इन भारतीयों को हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया सहित 5 देशों के रास्ते से भारत सरकार अपने नागरिकों को स्वदेश लाने का काम कर रही है। भारत से अब तक 10 फ्लाइटें वहां फंसे नागरिकों को लेकर स्वदेश वापसी कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा और यूरोपियन काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल से फोन पर बातचीत की। तीनों नेताओं की पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसे समय में बातचीत हुई है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और इस दौरान एक भारतीय की भी जान चली गई है। चार्ल्स मिशेल ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में खार्किव में भारतीय छात्र की रूसी हमलों में मौत पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के तहे दिल से मदद कर रहे हैं। इसी दौरान और क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की और बिगड़ती मानवीय स्थिति पर चिंता जताई।
पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा से भी बात की। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद देने के लिए उनका आभार जताया है। रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर मंगलवार को बड़ा हमला किया था। रूसी सेना ने मिसाइल भी दागी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खार्किव के मुख्य चौराहे पर हुए हमले को निर्वाधिक आतंक का करार दिया है और इसे युद्ध अपराध कहा है। इसके बाद आगे उन्होंने कहा कि इसकी कोई भी माफी नहीं है, कोई भी माफ नहीं करेगा। यह हमला एक युद्ध अपराध है, कोई नहीं भूलेगा। ये रूसी संघ का राज आतंकवाद है। भारत के लिए समय यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि बैठक के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल ने बताया कि उच्च स्तरीय बैठक में भारतीय नागरिकों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक 12,000 यानी कि तकरीबन 60% भारतीय यूक्रेन से निकल चुके हैं। कीव में अब कोई भी भारतीय नागरिक नहीं बचा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 7वां दिन है। 40 मील दूरी तक फैला रूसी टैंकों और अन्य वाहनों का काफिला धीरे धीरे कीव की ओर बढ़ रहा है। वहीं यूक्रेन के दूसरे शहर खार्किव में भी रशिया का हमला तेज हो गया है। रूसी पैराट्रूपर्स खार्किव में उतरे हैं और सेना के मेडिकल सेंटर्स पर हमला कर दिया है। यूक्रेन की सेना भी डटकर रूसी हमलों का जवाब दे रही है। देश की राजधानी कीव में करीब 30 लाख लोग रहते हैं। क्या है वहां के मौजूदा हालात, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रूसी सेना की ओर से कीव और खार्किव में बमबारी भी तेज हो गई है। खार्किव में आज सुबह रूसी पैराट्रूपर्स उतरे हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया है। फिलहाल वहां गोलीबारी हो रही है। उधर रूसी सेना ने दक्षिणी शहर खेरसोन में 2 ठिकाने, बंदरगाह और रेलवे स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया है। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक वीडियो में लगभग 15 लाख की आबादी वाले रणनीति खार्किव में क्षेत्र के सेवावियत युग के प्रशासनिक भवनों और आवासीय क्षेत्रों में विस्फोट होते दिखाई दिए। पश्चिमी देशों को आशंका है कि ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेनी सरकार को उपदस्त करके रूसी समर्थक सत्ता की स्थापना करने की कोशिश है। रूसी हमलों के बीच रूस के मोर्दोवियन गणराज्य के प्रमुख आर्टेम जोर्नोव ने रूसी कर्नल विक्टर इसाइकिन की मौत की जानकारी दी है। जोर्नोव ने कहा है कि कर्नल इसाइकिन को सैन्य असाइनमेंट पर यूक्रेन भेजा गया है। बता दें कि रूसी सेना ने देर रात यूक्रेन के घनी आबादी वाले शहरी इलाकों पर हमले तेज करते हुए कीव के मुख्य टीवी टावर पर बमबारी की, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आतंक करार दिया है। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने खार्किव के फ्रीडम स्क्वायर पर रक्तपात के बाद कहा कि कोई इसे नहीं भूलेगा, इसे माफ नहीं किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़े युद्ध के 6 दिन रूस और अलग थलग पड़ गया है। रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और देश के पास चीन, बेलारूस और उत्तर कोरिया जैसे कच्चे मित्र ही बचे हुए हैं। यूक्रेन में युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। एक
वरिष्ठ पश्चिमी खुफिया अधिकारी ने अनुमान जताया है कि 5000 से ज्यादा रूसी बल या तो कैद हो गए हैं और या तो मारे गए हैं। यूक्रेनी बलों को हुए नुकसान की अभी कोई जानकारी नहीं है। करहल के बाद अब जौनपुर में दोस्त के बेटे के लिए वोट मांगेंगे मुलायम सिंह यादव। बता दें कि ये रैली छठवें चरण के लिए 57 सीटों पर मतदान के दिन होने जा रही है। इस तरह से जौनपुर में मुलायम सिंह की रैली से सपा पूर्वांचल की सियासी लड़ाई में बढ़त हासिल करने की कोशिश में है। सपा संरक्षण ने 2017 में चुनाव में भी महज दो रैली की थी, जिनमें एक रैली में शिवपाल यादव के लिए जनसवन नगर में और दूसरी जनसभा परसनाथ यादव के लिए मल्हनी सीट पर की गई थी। मोदी लहर के बावजूद ये दोनों सीटें सपा जीतने में कामयाब रही थी। क्या है यहाँ के मौजूदा, देखिए इस रिपोर्ट में। मैनपुरी के करहल विधानसभा में अपने पुत्र और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए वोट की अपील करने वाले पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब अपने जिगरी दोस्त रहे स्वर्गीय पारसनाथ यादव के बेटे एवं निवर्तमान विधायक लकी यादव के लिए वोट मांगेंगे। सपा के बुजुर्ग नेता ने अभी तक सिर्फ करहल सीट पर जनसभा की है और अब पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव के प्रचार के लिए वो जौनपुर की मल्हनी विधानसभा में 3 मार्च यानी कि कल आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 मार्च को यहां रैली करेंगे। मुलायम की ये रैली छठे चरण के लिए 57 सीटों पर मतदान के दिन होने जा रही है। इस तरह से जौनपुर में मुलायम की रैली से सपा पूर्वांचल की सियासी लड़ाई में बढ़त हासिल करने की कोशिश में है। सपा संरक्षक ने 2017 के चुनाव में भी महज दो रैलियां की थी, जिनमें एक रैली शिवपाल यादव के लिए जसवंत नगर में और दूसरी जनसभा पारसनाथ यादव के लिए मल्हनी सीट पर की थी। मोदी लहर के बावजूद ये दोनों सीटें सपा जीतने में कामयाब रही थी। मुलायम सिंह यादव की सूबे में महज दो ही रैलियां रखी गई हैं, जिनमें एक अखिलेश की करहल सीट और दूसरी लकी यादव की मल्हनी सीट। इन दोनों जगहों पर मुलायम सिंह यादव की रैली कराने के पीछे सपा की सोची समझी रणनीति भी मानी जा रही है। करहल सीट पर चुनावी प्रचार में उतरकर श्री मुलायम सिंह यादव ने पूरी यादव बेल्ट को सियासी संदेश दिया था। जहां 2017 में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया था, इसलिए अखिलेश यादव अपने पुराने दुर को बीजेपी से छीनने के लिए उतरे, वहीं अब मुलायम सिंह के मल्हनी सीट पर प्रचार कर लकी यादव के पक्ष में माहौल को बनाने के दांव के साथ पूर्वांचल में सपा को बड़ी जीत दिलाने का मकसद है। दरअसल जौनपुर में एक तरफ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी है। इस पूरे इलाके में 7वें चरण में चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जौनपुर मुख्यालय पर स्थित टीडी कॉलेज के मैदान में होगी। ऐसे में सपा ने भी मुलायम सिंह यादव की जौनपुर में उसी दिन रैली रखकर बड़ा सियासी दांव चला है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह की पारसनाथ यादव को सियासत में लेकर आए थे और पूर्वांचल में ओबीसी के कद्दावर नेता के तौर पर स्थापित किया था। ऐसे में मुलायम के साथ मरते दम तक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। पारसनाथ यादव अपना पहला विधानसभा चुनाव 1985 में जौनपुर की बरसठी सीट से लोक दल से जीते थे, जिसके बाद वो 1989 में जनता दल से विधायक बने और 1993 में सपा से जीत दर्ज की। 1986 और 2002 के मध्याहन से चुने गए और 2012-2017 में भी मल्हनी सीट से जीत दर्ज की थी। मल्हनी सीट पर पारसनाथ यादव का लंबे समय से कब्जा रहा है। 2020 में पारसनाथ यादव के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनके बेटे लकी यादव को सपा ने प्रत्याशी बनाया था। प्रदेश में एक साथ हुए 7 उपचुनावों में सपा को केवल इसी सीट पर सफलता मिली थी। लकी यादव ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हराकर अपने पिता की विरासत को बरकरार रखा था।
सपा ने लकी यादव को एक बार फिर से मल्हनी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां बीजेपी, कांग्रेस और बसपा से भी प्रत्याशी हैं। लेकिन यहां असल मुकाबला पूर्व सांसद धनंजय सिंह से माना जा रहा है। बता दें कि धनंजय सिंह इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की सियासत में बलिया जिले की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जिला हमेशा से ही राजनीतिज्ञों का गढ़ रहा है, मगर इस जिले का सुर अब भी वही है जो सदियों पहले हुआ करता था। आज भी इस धरती से बगावत की झलक देखने को मिलती है। आखिर क्यों खास रहा है ये जिला, आइए दिखाते हैं हम आपको इस रिपोर्ट में। बगावत इसका अतीत है और वर्तमान भी। बलिया आंदोलन की धरती रही है। चुनावी आहट से पहले ही जनता की बगावत सत्ता तक पहुंचने लगी थी। सबसे अधिक बगावत हिचकोले वाली सड़क से सुनी जा रही थी, वो भी जेपी आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण के घर तक जाने वाली बैरिया विधानसभा क्षेत्र की सड़कों से। सत्ताधारियों के चुनावी अखाड़ों से कई धुरंधर योद्धाओं को किनारे कर दिया। अब बलिया के 7 में से 4 विधानसभा क्षेत्र के सत्ताधारी दिग्गज बागी होकर भाजपा को आंख दिखा रहे हैं। इसमें बैरिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह भी शामिल हैं। बलिया नगर के भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, बांसडीह के भाजपा नेता अजय शंकर पांडे, फेफना के भाजपाई अवलेश सिंह बागी हो चुके हैं। ये सभी भाजपा से दावेदार थे। दिलचस्प बात यह है कि सभी बागी बिहार में एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी और जेडीयू का दामन थामकर बीजेपी प्रत्याशियों से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। एसबीएसपी के बागी भी हाथी पर सवार होकर सपा का खेल बिगाड़ने में तुले हुए हैं। बांसडीह से एसबीएसपी छोड़ बीएसपी से चुनाव लड़ रही मालती राजभर सपा को कड़ी टक्कर दे रही हैं। अब हम आपको बताते चलते हैं कि उन सड़कों पर जहां से सबसे अधिक बगावती सुर सुने जा रहे हैं, ये है बैरिया विधानसभा क्षेत्र। 2017 में सुरेंद्र सिंह बीजेपी के विधायक चुने गए थे। 2022 का चुनाव आते आते जनता के बागी सुर से सत्ताधारी परेशान होने लगे। सुरेंद्र सिंह, जया बच्चन सहित अन्य पर विवादित बयान देने को लेकर भी लगातार चर्चाओं में रहे। तो भाजपा आलाकमान ने विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काट बलिया नगर के विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला पर बैरिया से दांव लगाया है। विधायक सुरेंद्र सिंह बागी होकर एनडीए में शामिल वीआईपी के टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी आनंद स्वरूप शुक्ला को सीधा चुनौती दे रहे हैं। मोदी लहर में 2017 के चुनाव में सुरेंद्र सिंह ने सपा के जयप्रकाश अचल को भारी मतों से मात दी थी। इस बार फिर से सपा ने जयप्रकाश अचल को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने सुभाष यादव को टिकट देकर बैरिया में चुनावी दंगल को चतुष्कोणीय कर दिया है। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, बगावत का पुराना इतिहास भी रहा है। हम आपको 2017 के चुनाव में ले चलते हैं। तब बीजेपी और एसबीएसपी से गठबंधन हुआ था। एसबीएसपी सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को बीजेपी गठबंधन ने टिकट दिया था। इससे नाराज बीजेपी नेत्री केतकी सिंह बागी होकर निर्दलीय ताल ठोक दी थी। परिणाम ये रहा कि केतकी सिंह प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी से महज 1687 वोट से पराजित हुई। अरविंद राजभर तीसरे नंबर पर रहे। अब आप 2022 के चुनाव में आ जाइए। इस बार केतकी सिंह बीजेपी के टिकट पर प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, पर बीजेपी नेता अजय शंकर पांडे बागी होकर बीजेपी के टिकट पर केतकी सिंह का खेल बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। वो ब्राह्मण वोट में सिंह मारी कर रहे हैं। उसी तरह एसबीएसपी छोड़कर बीएसपी से चुनावी मैदान में उतरी मालती राजभर ने
सपा की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। बलिया जिले के बाजरी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 4.05 लाख वोटर्स 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। बलिया में बागी होना कोई नई बात नहीं है, ये प्रथा अंग्रेजों के ही जमाने से चलती आ रही है। इन खबरों के साथ फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें केकेडी न्यूज़।